चाहे कितने भी नंबर लाना चाहते हो, लेकिन पहला फियर फैक्टर हमेशा रहता है कि यार कम से कम 200 नंबर हो जाए। तो आज जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, यहाँ पर मैं कोई टिप्स नहीं देने जा रहा, आपके साथ फैक्ट्स के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, जिसको आप समझेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि यस ये वो एरिया है जिसको हम अभी तक शायद इग्नोर कर रहे हैं और इसकी वजह से हम पास हो सकते हैं। और अगले 4 से 5 दिनों में ही यू विल स्टार्ट फीलिंग द कॉन्फिडेंस यस दैट आई कैन क्लियर द एग्जाम। बात करूँ तो जैसे थ्योरी सेक्शन है, इसको हर बच्चा जो है कंप्लीटली इग्नोर करके चलता है और एग्जाम में ये 20 नंबर का आना ही आना है। आप उठा के पेपर पिछले 6 से 7 अटेम्प्ट के देख लीजिए, कम से कम 20 नंबर की थ्योरी आपको एग्जाम में दिखेगी ही दिखेगी। और ये एक ऐसा एरिया है जहां 20 में से 20 नंबर ला सकते हैं अगर आप आंसर सही करके आते हैं, क्योंकि 12 नंबर के तो इसमें ट्रू फॉल्स आते हैं जिनके आपको विद रीजनिंग आंसर देने होते हैं 12 आउट ऑफ 12, और 8 नंबर की जो थ्योरी है वो भी बहुत टू द पॉइंट थ्योरी होती है जिसमें आप फुल आउट ऑफ फुल ला सकते हैं, लेकिन कोई भी बच्चा इस एरिया को ध्यान नहीं देता है। तो इसको आपको फोकस करना है। इसको पढ़ना कैसे है, जो परफेक्ट रिवीजन बुक है जो हम आपको अवेलेबल करवाते हैं, जो कि आपने अगर अभी तक नहीं लिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ले भी सकते हैं, बहुत नॉमिनल अमाउंट पे ये बुक अवेलेबल है। उसमें से डेली 1 रीडिंग करनी है। अगर आप इसकी रियली लास्ट के 45 डेज में भी, मैं कहूँ 45 टू 60 डेज ले लीजिए, अगर डेली एक रीडिंग कर देते हैं आपकी थ्योरी स्ट्रांग हो जाती है और यहाँ पे आपके 20 में से 20 नंबर आ जाते हैं। आप देखिए बाकी रेस्ट ऑफ द पेपर में से सिर्फ आपको फिर 20 लाना है। अब आपका प्रैक्टिकल इतना ख़राब थोड़ी ना होगा कि आप रेस्ट ऑफ द पेपर में 20 भी ना ला पाए। तो थ्योरी पर ज़रूर फोकस करिए, और परफेक्ट रिविजन बुक इसके लिए मोर देन सफिशियंट है। तो वो सिर्फ परफेक्ट रिविजन बुक में से भी अगर थ्योरी रोज़ पढ़ लेता है तो ये 20 नंबर उसके सिक्योर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता हूँ लॉ में। लॉ में अगर उठा के देखिए पिछले 7 अटेम्प्ट के पेपर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पार्टनरशिप LLP, यू विल सी कि ये तीनों एक्ट मिलाकर के कम से कम 30 नंबर के एग्जाम में आते हैं, और यहाँ पर आप आराम से 25 नंबर ला सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको कैसे सिक्योर करें, अगेन परफेक्ट रिवीजन में से ये 3 एक्ट आपको डेली एक बार पढ़ने, मुश्किल से आधे घंटे का समय लगेगा। आप खुद एक हफ्ते में कहेंगे कि अरे यार इतना आसान था ये, तो मेरा तैयार हो गया। नहीं ले रखा तो आप परफेक्ट रिवीजन बुक जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां से ले लीजिए। डेली 1 रीडिंग आपको इन 3 एक्ट्स की करनी है, मुश्किल से आधे घंटे का समय लगेगा। लॉ में विद इन 4 to 5 days 6 days यू विल स्टार्ट फीलिंग द कॉन्फिडेंस। और ये नहीं कि एक दिन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, अगले दिन पार्टनरशिप, अगले दिन LLP, ऐसा नहीं करना। तीनों एक्ट एक दिन में पढ़ने, मात्र आधे घंटे का समय लगेगा। तो आप इन चीजों को समझिए कि पेपर कहां से कितना आना, पहले उसको स्ट्रॉन्ग करिए, फिर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। अब आप इतना कर लेते हैं तो लॉ में क्या आपका BC और रेस्ट ऑफ द एक्ट इतना भी अच्छा नहीं होगा कि वहां पर आप 15-20 नंबर ला सकें। तो पहले अपने बेस को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। बातें मैथ स्टैट्स LR के ऊपर। अब LR सिर्फ 4 चैप्टर, स्टैट्स में उसकी थ्योरी सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, मैंने प्रोबेबिलिटी भी हटा दिया, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी हटा दिया। मैथ्स में रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉग, सीक्वेंस, सीरीज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यहाँ पर यहाँ से आएगा कम से कम 20 नंबर का पेपर, यहाँ से आपका आएगा 25 नंबर का पेपर, यहाँ से पूरा 20 नंबर का पेपर। आपको देखिए 65 मार्क्स का पेपर आपके पास यहाँ पे डिजाइन होता है। अब आप अगर सिर्फ IC के क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो यहाँ पर आप आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के जो है सॉल्व हो सकते हैं। और कुछ मत करो, एटलीस्ट इतना कर लो। और अगर आपने कोर्स नहीं ले रखा तो ICA के क्वेश्चन इन चैप्टर्स का एक भी छोड़ के नहीं जाना। एडिशनल क्वेश्चन बैंक करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इलस्ट्रेशंस और जो सेट बी और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो आपने बहुत अच्छे से करके जाने हैं मैथ स्टेट्स LR में इन चैप्टर्स के। अब मैं आना चाहूँगा ECO BC पे। डेली एक रीडिंग परफेक्ट रिविजन बुक की लगा दो और ICA के क्वेश्चन कर लो। अब ये देखो कितना कम एरिया, अगर आप देखें अकाउंट्स में 20 नंबर, लॉ में 30, यहाँ पे मैं 65 की बात कर रहा हूँ, और ये आपने कर लिया तो 60 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। तो आप खुद जो है देखेंगे कि अरे यार मैं तो पास हो रहा हूँ, इसमें मुश्किल क्या है। आप क्या करते हैं, थ्योरी इग्नोर करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया आप इग्नोर करके चलते हैं, यहाँ पर इन 3 एक्ट पे फोकस नहीं करते, सारा ध्यान लगा देते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे या कंपनी एक्ट के ऊपर। मैं स्टेट सेलर में इन चैप्टर्स को अच्छे से करूँ जहाँ से पेपर आना है, ECO BC के ऐसे करूँ। और मैं बार बार हर बच्चे को कहूँगा, देखो परफेक्ट रिविजन बुक आप हमारा कोर्स, वैसे मैं आपको बोलूँ कोर्स नहीं है वो, आपका एक असिस्टेंस आपको देता है, चाहे आप कहीं और से भी क्लासेस ले रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिसमें इतने सारे सेल्फ असेसमेंट वर्क टेस्ट हैं, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक्स मिलती हैं। बट अगर नहीं भी ले रखा तो परफेक्ट रिवीजन बुक जो है आप हमारी ज़रूर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और एटलीस्ट मेक श्योर कि ये CA फाउंडेशन का अटेम्प्ट आपका निकले। और इसके बाद आखिरी में एक सलाह और देना चाहूँगा कि कम से कम 5-5 मॉक टेस्ट पेपर आपको अकाउंट्स, लॉ, BCR के जरूर देने हैं, और कम से कम 15-15 मॉक टेस्ट पेपर आपको जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर है, दैट इज मैथ स्टेट्स LR, ECO BC के जरूर देने हैं, ताकि एग्जामिनेशन टाइम पे पैनिक ना करें। वो जो कॉन्फिडेंस आपको चाहिए, उस कॉन्फिडेंस के साथ जो है आप एग्जाम में जा पाए। तो ये एक बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी CA फाउंडेशन को निकालने की, इसके ऊपर प्लीज़ प्लीज़ फोकस करिए और वर्कआउट करना शुरू करिए। जय श्री श्याम।